हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार आपको लेके जा रहा हूं मैं गोविंद सागर झील। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहां पर वाटर बोटिंग करने करना आपको यह है सिर्फ जब भी आप पंजाब से आएँ या बिलासपुर के आसपास हैं, आपको जस्ट एक नीचे लोकेशन मेंशन जो मैं कर रहा हूं, इस लोकेशन को एंटर करना है गूगल मैप में और दैट लोकेशन इज गोइंग टू टेक यू स्ट्रेट अवे टू द पिकअप पॉइंट फॉर द बोट। अभी हम इस पूरे वीडियो में आपको बोटिंग जो है गोविंद सागर लेक में चार्जेस कितने हैं कितने नहीं हैं पूरा बताऊँगा मैं। सो लेट्स गो देयर। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो ये जो लॉन्गेस्ट ब्रिज अब गोविंद सागर लेक के ऊपर, आपको ये क्रॉस नहीं करना है, आपको बिलासपुर की तरफ जाना है। और अगर आप मनाली से वापस आ रहे हैं, मनाली से किरतपुर की तरफ, तो मनाली से जब आप सुंदरनगर क्रॉस करेंगे उसके बाद आपने एक लोकेशन डालनी है सेम। बाकी फुल डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने इसमें पूरी डिटेल्स डाली हैं आपको कहाँ से किस तरफ का रूट जो है कवर करना है। वेल, फोर लेन के बाद आप यहाँ डायरेक्ट पहुँचेंगे। यहाँ पर लोकेशन का नाम है लूणू घाट। ये आपको जस्ट गूगल करना है इस लोकेशन को और वो आपको स्ट्रेट अवे फोर लेन पॉइंट से यहाँ पर पहुँचा देगी। और अब हम जाएंगे नीचे जहाँ बोट्स खड़ी हैं, वहाँ पर बात करते हैं उनसे एंड प्राइस वगैरह क्या है उनका और किस तरह से उनका पूरा जो है रहता है, और गोविंद सागर लेक का आपको एक झलक दिखाते हैं। आइए, किस तरह से आपका मतलब ये राउंड मैक्सिमम कितना एक टिकट एक पर बंदा का कि पूरे जाता। अच्छा जी, बोट का लेते हैं आप चार्ज, कितना चार्ज है मैक्सिमम? मैक्सिमम 300 से स्टार्ट है जी। 300 में कितना घुमाएंगे आप? हमने जाना हुआ 200 का है, 300 ऊपर तक जाएगा। अच्छा जी, और अगर इधर मंदिरों की तरफ जाना हो तक 500 रुपये अपडाउन। यहाँ से मंदिर फिर इसी पॉइंट पे वापस कि मंदिर से हम घूम के इधर को भी आ सकते हैं? घूम के पार्टी घूम के आएंगे। अच्छा, यहाँ से ऐसे घूम घूम के जाएंगे मंदिर से फिर परे को घूम के हम पीछे से इधर से सामने से इस पुल से इधर आ जाएंगे। ठीक है, वो ठीक है ना, पूरा राउंड कर लेते हैं। ठीक है जी, सो वी हैव चूजन द मैक्सिमम जिसमें 500 रुपीज़ लेंगे ये सबका, और उसमें जो है आपको पूरा जो है पुराने टाइम टेम्पल थे जो गोविंद सागर लेक बनने के बाद जो है सबमर्ज हो गए थे लेक के अंदर, उस पॉइंट पे लेके जाएंगे हमें। तो आइए चलते हैं अब सीधे ही गोविंद सागर लेक। यस, हम बोटिंग करने जा रहे हैं। मिनिमम ड्यूरेशन इस पूरे सर्कमफ्रेंस की जो हमें पूरा कवर करना है लगभग आधा घंटा रहेगी, तो अभी एक दो मिनट में हमारी बोट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है लेक थोड़ी गंदी है, तो आगे जाके देखते हैं। डल लेक श्रीनगर के बाद ये सेकंड एक्सपीरियंस है बोटिंग का, तो आइए देखते हैं। मेरी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, बट बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम पे जो व्यू दिख रहा है, और आसपास बिल्कुल खाली है। देखिए आप, बड़ा डिफरेंट लगता है रोड पे चलते हुए इस गोविंद सागर लेक को देखना और बोटिंग करते हुए इस लेक का मज़ा लेना। और सामने जो है फिशिंग हो रही है, मछली पकड़ी जा रही है। देखिए, घूमते घूमते पहुँच चुके हम बिलासपुर के बिल्कुल पुराने फोर्ट के पास, जो राजाओं के टाइम का फोर्ट था। मुझे याद है राजा कहल सिंह होते थे, कहल सिंह उनके नाम पे जब कहलूर ये रियासत थी, तो उस टाइम का ये फोर्ट है बिलासपुर का एंशिएंट फोर्ट। और ये सामने है ये फोर्ट, देखिए थोड़ी दूरी पर सेकंड फोर्ट ये है, थर्ड फोर्थ। आपको मजा आ रहा है? थर्मोकॉल बॉक्स है, इसके नीचे से फिशिंग नेट डाला हुआ है, तो इसका जो है लाइसेंस बनता है फिशरी डिपार्टमेंट से पूरा साल का एक बार। ये देखिए फिशिंग नेट सामने। पूरा एक चक्कर काट के बोट से अब हम लगभग वापिस पहुंच रहे हैं जिस पॉइंट से बोट हमने बोट की थी।
वो सामने पार्किंग है, और लगभग हमने पूरा यहाँ से लेके परे परे पीछे तक पूरा जो है घूम के आ चुके हैं। हाय, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हालांकि वेदर थोड़ा मिस ज़्यादा थी, अगर क्लियर होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि जो पीछे माउंटेनियस व्यू दिखेगा यहाँ से बहुत शानदार दिखना था। हमारे जो क्या बोलते हैं जो बोट चलाते थे उनको शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, आपको याद है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। लगभग आधे घंटे की बोट की सवारी के बाद हम पूरा एक यहाँ से लेकर परे तक पूरा एक पुराने टेम्पल भी आपको दिखाया हमने, चक्कर काट के जब वापस पहुँच रहे हैं। थैंक यू अंकल जी, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। गोविंद सागर लेक का बेस्ट जो एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है बोटिंग की, वो हमने एंजॉय की आज सिर्फ 500 रुपीज़ में। मज़ेदार थी, मज़ा आ गया। थोड़ा आज बस व्यू की वजह से थोड़ा सा निराश तो नहीं, पर चलो डिफरेंट थ्रिल था, व्यूज अच्छा होता तो, और आसपास की ग्रीनरी ज़्यादा दिखती माउंटेन्स की। किसी दिन अगर वेदर साफ होगा बारिश के बाद आपको दोबारा यहाँ लेके आएंगे। सो इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मज़ा आया आपको, कैसा लगा बोटिंग करके। अच्छा। बोटिंग के बाद आप चाहें तो फूड वैन यहाँ पर एक है शायद, आज मोस्ट प्रोबेबली 3-4 फूड वैन एट अ टाइम रहती हैं। अब वहाँ पर जाके जो है फूड का मज़ा भी ले सकते हैं, लाइट स्नैक्स होंगे इनके पास, बट हम अभी थोड़ा आगे जाएंगे। जस्ट इन 500 रुपीज़ मिनिमम, आप 200 रुपये का भी एक छोटा सा राउंड लगा सकते हैं यहाँ पे, पर जिस तरह से हम तीन थे और छोटा बेबी था तो इट वाज वर्थ कि 500 में आपको हाफ एन आवर में पूरी बोटिंग का एक पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और इसी के साथ साथ अभी आएंगे हम जल्दी बिलासपुर में आपको लेके, यहाँ पर रुक्मणी कुंड है वो भी बहुत अच्छी जगह है एज अ टूरिस्ट पॉइंट, वहाँ पूल है जहाँ बाहर नहाते हैं, और एक मारकंड जगह है जहाँ ऋषि मारकंडे जी की तपोभूमि है, तो आपको जो है वहाँ पर भी जब कभी टाइम मिले वैकेशन में आपको वहाँ पर मैं लेके जाऊँगा। सो टिल द टाइम गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ट्रैवल लव एक्सप्लोर, हर हर महादेव।